ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की खुली पोल, ग्रामीणों ने लगाए कई संगीन आरोप। मामला संभल विकास खंड के कोसोपुर भिंडी ग्राम का है, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारी द्वारा विकास कार्य प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पोल खुली। एक तरफ तो योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त प्रदेश का सपना दिखाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर दबंग ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते गांव में हुए विकास कार्य में घटिया सामग्री तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों में लाभार्थियों से 4,000 रुपए वसूलने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। घटिया सामग्री लगाकर बनाए गए शौचालय के नियमित ग्रामीणों को 4,000 रुपए देना पड़े। विधान ग्राम प्रधान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो चार दीवारें खड़ी कर तो फोटो खिंचवाने के बाद पैसा निकलवाने की रहती है, बस किसी तरह से उसका पैसा विभाग से निकल कर आ जाए, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार आला अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आला अधिकारी हैं कि इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वह भी इस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद दिनांक 20 जुलाई 2020 को ओंकार सिंह जिला भूमि संरक्षण अधिकारी गांव में जांच करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा देखने लायक था। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर फर्जीवाड़े से सड़कों का पैसा निकलवाने तथा मनरेगा में नाबालिग से काम कराने तथा शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने तथा ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 20,000 रुपए लिए जाते हैं, परंतु मकान आधे लोगों के ही आते हैं, बाकी प्रधान के घर के चक्कर लगा लगा कर परेशान होते हैं। परेशानी से तंग आकर ही ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ आए दिन शिकायतें करना शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर भी कब्जा कर रखा है, जैसी आय या व्यय का कोई भी जानकारी प्रधान द्वारा किसी भी ग्रामीण को नहीं दी जाती है। जांच अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा बताया कि आज तक ग्राम में कभी खुली बैठक का आयोजन नहीं किया गया, जो भी होता है प्रधान की बंद चार दीवारी बंद बैठक में ही होता है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम प्रधान की चाटुकारी का करने वाले लोगों की मौत होती है, नाबालिगों से काम करा कर उनके खेतों में पैसा डाल दिया जाता है, जिसमें ग्राम प्रधान की मिलीभगत से हिस्सेदारी हो जाती है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जांचकर्ता अधिकारी को दी। ग्रामीणों ने अधिकारी को बताया कि प्रधान द्वारा हर जगह पुरानी ईंट का प्रयोग किया गया है और पुरानी ईंट की जगह प्रधान व अधिकारी की मिलीभगत से नई ईंट का भुगतान विभाग से करा लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है अधिकारी द्वारा उचित जाँच करके प्रधान के द्वारा किए घोटालों के पैसे को वापस रिकवर किया जाए। मेरा नाम मुन्नू है। कौन से गांव से? गांव मंडा से रहता हूं सर। आपने जो जांच आई है क्या पाया गया जांच में? सर गांव में जांच आई थी, हम उनसे कह रहे थे हमारा भी मकान देख लो, गांव की सड़क देख लो, वो तो एकदम दबंगई पे आ गए साहब, मानने तैयार हो गए। उनके साथ कुछ शराबी लोग थे। इनके साथ थे? इसके साथ प्रधान जी के साथ थे शराबी साहब, और उन्होंने जो है हमें जो एकदम दबा दिया, हम जो अकेले हो गए बीच में और लोगों एकदम जो है सब हल्ला बोल दिया उन लोगों ने। प्रधान ने भी प्रधान नहीं प्रधान से हमने कहा था सर, मन की हमारी देखो आप प्रधान हमारे गाँव के, आपको सही कार्य करना चाहिए हमारे। देखो हमने 10 बार उनसे कहा सड़क के लिए, हमारी सड़क आज तक नहीं सुनी है। कई लोग जो आ रहे हैं कीचड़ में गिर गए हैं, रास्ते निकलने वाले भी गांव के सभी लोग गिर जाते हैं। अब क्या क्या कमी पाई गई? अब साहब ये कमी गए कोई कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी, तो हमारे मन की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं साहब सही काम होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए, ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान साथ था आपके, क्या क्या कहा ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान हमारा असभ्य है साहब, इसमें इसे कोई ज्ञान नहीं ग्राम प्रधान को हमारे को। अच्छा। हाँ। दबंगई है, शराबी आदमी है और उसके साथ शराबी आते हैं, और वही जो है किसी बोले नहीं देते, वही समसोई वाला का वो है हमारे यहाँ, जो समसोई में प्रधान जी थे दबंगई थी, वही वही वाला मैटर है हमारे यहाँ का। क्या चाहते? हमारे गांव में तो एक एक प्रधान है ग्राम पंचायत का, उसने कुछ भी नहीं करा है, ना कुछ करा, किसी ने कोई काम करवाया कोई। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? नहीं अधिकारी से तो सर हमारी बात ही नहीं हुई है, अधिकारी तो हमारी सुनी नहीं, अधिकारियों ने तो उन्हें लेकर भाग गए एकदम ही, प्रधानी अपने आप साथ लेकर भाग गए उधर, हम क्या करते बताओ। नाम महेंद्र सिंह। कौन से गांव से? ग्राम केशपुर भंडी से। तो आपके यहाँ जांच आई थी, क्या पाया गया जांच? जी जांच आई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से जांच नहीं हो पाई है, और उसमें प्रधान ने दबंगी दिखाते हुए अधिकारियों को हड़काते हुए जांच नहीं हो पाई है। मात्र काफ़ी मतलब जो है क्या नाम शौचालय में अपूर्णता पाई गई है। अधिकारी के साथ में कुछ पुलिस प्रशासन भी था? नहीं था, हम लोगों ने मांग करी थी, लेकिन अधिकारी ने बोला था कि हम पुलिस की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि हमने पुलिस बल की भी तैनाती के लिए भी उसमें आदेश कराया था। तो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन आया? नहीं आया। तो अब क्या कमी पाई गई? अब कमी ये पाई गई क्योंकि जो है हमारा जो क्या नाम विकास कार्य था उसमें पूर्ण तरीके से जांच उसकी नहीं हो पाई है। क्या चाहते हो? उसमें ये चाहते हैं पूर्ण तरीके से हमारी जांच होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन के साथ में। अब क्या कहा आपसे अधिकारियों ने? जो अधिकारी हमसे ये कह रहा है कि आपकी जांच सही पाई जाएगी
और सही पाई गई है। मैं 6 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट बना के दूंगा और ब्लॉक से पूरे डॉक्यूमेंट्स लूंगा। कहाँ से आए थे अधिकारी? ये आए थे जिला भूमि संरक्षण अधिकारी था जिले स्तर से, ओमकार से। प्रधान के द्वारा किए गए घोटाले का पैसा उसका घमंड बना हुआ है। यही नहीं, घोटाले सामने आने के बाद जांच से बौखलाए प्रधान ने एक बड़े बैनर के पत्रकार को फर्जी बताने लग गया। जांच से बौखलाए प्रधान पर देखना यह है कि प्रशासन ने कुछ कार्यवाही करता है या ये जांच भी दबकर रह जाएगी। जांच में क्या पाया गया? जांच में मुख्य रूप से शौचालय की जाँच थी, सड़क की जाँच थी और आवास था, सोलर लाइट थी। और मौके पे जो देखा गया तो कुछ शौचालय तो ऑलरेडी बने हुए हैं और कुछ का ये है कि मेरा बना ही नहीं है और कुछ में ये है कि 6,000 रुपये मुझे मिले हैं और 6,000 नहीं मिले हैं जी। उस संबंध में मौके पे भी देखा गया है और बाकी इनसे जो सूची ली जाएगी उसमें ये पता लगा करके कि नहीं, हाँ जिनको मिलने थे 12,000 वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं। वो जो ट्रांसफ़र होता है खाते में वो सूची से ऑलरेडी वो मिलान हो जाएगा कि इन्होंने पैसा कितना किसको दिया है, 12,000 दिया है कि 6,000 दिया है। ये मौके पे इतना किया गया। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि निर्माण के योग्य थे लेकिन वो निर्माण अभी तक हुए नहीं है। सर कौन से पद बताना था सर? मैं भूमि संरक्षण अधिकारी संभल। क्या नाम है सर आपका? ओंकार सिंह।